हो गई है और 10 भी बज गया है। मैं सोया तो मुझे पता भी नहीं चला कि कितना टाइम हो रहा है। और ये जो है ना, इसके ऊपर देखो पानी पूरा पूरा भीगा हुआ है, क्योंकि 1 डिग्री तक गया था यहाँ पे टेम्परेचर रात में, और अभी तो 6-7 हो गया है, माइनस में नहीं गया यहाँ पे टेम्परेचर। और मैंने ये लगा लिया यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, तो ये रास्ते से मैं ले लिया था बाइक चलाने के लिए। ये बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है एकदम, और बढ़िया गर्म है एकदम। तो हेलो गाइस, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त सुफियान, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम एंड स्वागतम। मेरी आवाज़ ना थोड़ी भारी भारी सी हो गई है, क्योंकि पता नहीं यहाँ के पानी चेंज होने की वजह से, कि ठंडी की वजह से समर हो जाएगा, सेट हो जाएगा माहौल। अभी 2 दिन हूँ यहाँ पे, तो 2 दिन में सेट हो जाएगा। अभी मैं आज जो है ना सोच रहा हूँ कि कुफरी नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुफरी में आज मुझे पता चला है कि स्नो नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये मॉल मॉल रोड को एक्सप्लोर कर लूँ अच्छे से चल के। तो चलो घूमते हैं आज मॉल रोड। और यहाँ का सीन देखो बहुत ही प्यारा है यार, सुबह का। अभी धूप भी थोड़ी आ गई है। ये खुलेगा क्या? ये हाँ खुल गया। यू ना बाहर धूप है और बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। हाँ देख रहे हो मेरी हालत, मैं क्या क्या पहन लिया हूँ। इतना ठंडा है यार, मतलब हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, एकदम ठंडी हवा। और मेरा होटल जो है ना, वहाँ है मेरी होटल, वो होटल में रुका हुआ हूँ जो सामने दिख रही है। और क्या व्यू है यार, क्या व्यू है सही में। मतलब ठंडी तो है ही है, लेकिन ठंडी के साथ साथ ना मज़ा भी है। ये तो है, ये देखिए सामने का व्यू तो देखो, क्या व्यू आ रहा है यार सही में यार, जबरदस्त, क्या गजब का नज़ारा है। और मैं जा रहा हूँ अभी मॉल रोड, निकला हूँ अभी, और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त एकदम, मुझे ना एकदम यूरोप वाली फील आ रही है थोड़ा थोड़ा। ये है कुलचे, यहाँ पे जैसे मुंबई में वड़ा पाव ज़्यादा बिकता है ना, तो वैसे यहाँ पे कुलचे बिकते हैं। हर जगह पे आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, गर्मा गर्म कुलचे बना के देते हैं। तो ये जरा मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, कैसा है देखता हूँ। अच्छा है। सबसे पहले जब आप शिमला में एंटर करेंगे ना, तो एक पार्किंग एरिया मिलेगा आपको। वहाँ पे आप जैसे फोर व्हीलर से आ रहे हैं, या तो बड़ी गाड़ी बस से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आके पूरा पार्किंग करना पड़ेगा। उसके बाद लिफ्ट में जाके ऊपर मॉल रोड पे जाने का रास्ता रहेगा, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो जितनी भी गाड़ी आती है यहीं पर पार्क करना है, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। ये जो पार्किंग एरिया ये देख सकते हैं, ये पूरा पार्किंग एरिया, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी, नीचे देखो बस भी खड़ी हुई है, तो ऐसी सारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। बाहर चलते हैं और लिफ्ट की तरफ देखते हैं कि कैसे जाना है लिफ्ट से। और जैसे ही पार्किंग प्लॉट से बाहर निकलेंगे, तो ये पूरा मार्केट है छोटी सी, यहाँ पे खाने के भी सब मिल जाएंगे आपको, ड्राई फ्रूट वगैरह है, ड्राई फ्रूट भी है, ये सारे फ्रूट भी यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी यहाँ की फेमस है, और अखरोट भी है। और ये देखिए खाने की होल्ड मची हुई है, सैंडविच और ये मीठा स्ट्रॉबेरी खाने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी खाने की, जैसे ही आप पार्किंग एरिया से बाहर आएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ लिफ्ट की तरफ, ये थोड़ा आगे जाएंगे तो लिफ्ट का। तो ये है मेरे सामने हिमाचल टूरिज्म लिफ्ट, यहाँ से अंदर एंटर करना है भैया। लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो सीधा ये मॉल रोड पे ही लाके निकाल देता है। ये पूरा मॉल रोड का ये एरिया है मेरे पीछे बैक साइड में, और ये सामने भी मेरा पीछे पूरा मॉल रोड मार्केट है, पूरा मॉल रोड मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है यार ये। चलो घूमते हैं अंदर, आओ जाके देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ना मार्केट के बीच में ना वुलन के आपको कपड़े बहुत सारे मिल जाएंगे, ये शॉप है सारी, सारी शॉप है यहाँ पे आपको, तो गर्म कपड़े एक से बढ़ के एक गर्म कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी मार्केट है।
सारी शॉप है यार यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, लेडीज़ लोग की ज्वेलरी और हैंड ग्लव्स है, कैप है, मफलर है, सॉक्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? ओहो, लुक एट द व्यू, ओहो नाइस यार, सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से अगर फोटो लेंगे तो बहुत ही प्यारा सीन आने वाला है। यहाँ से पीछे का सीन देखो कैसा आ रहा है, एक नंबर आ रहा है यार। मतलब फोटो शूट वगैरह अगर करना है ना तो यहाँ पे बहुत ही, ये यहाँ पे इतनी पुरानी है कि मतलब ब्रिटिश के टाइम की चीज़ें हैं। ये मेरे पीछे जो पुलिस स्टेशन देख रहे हैं ना, ये पुलिस स्टेशन है और 1887 का बनाया हुआ ये पुलिस स्टेशन है ब्रिटिश के टाइम का, और आज भी ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। ये देखिए ये पुलिस स्टेशन है और ये पुलिस बूथ भी है यहाँ पे, USA वगैरह में देखते हैं वैसा ये पुलिस बूथ भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे, एकदम ब्रिटिश के टाइम वाली सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और सारे ब्रांडेड शोरूम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यूनाइटेड कलर ऑफ विंटन है और लुइस स्मिथ है और बहुत सारे ऐसे लिवाइस है, पूमा, एडिडास, सारे ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे। एकदम VIP ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं यूरोप में घूम रहे हैं। तो चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है। बाद में पहुंचा स्कैंडल पॉइंट की तरफ, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है वो स्कैंडल पॉइंट जहां से पटियाला के राजा, यहां के जो गवर्नमेंट हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी लड़की को उठा के लेके गए थे, तो उसके नाम स्कैंडल पॉइंट। काफ़ी खूबसूरत जगह है। पता नहीं किस चीज़ की सूट है पर लेकिन सूट चालू है और वो लड़की अब पूरी तरीके से कांप रही है। छोड़ो, किस चीज़ की सूट है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो बलून छूट के उन लोग के हाथ से ऊपर उड़ गया सामने। और इस साइड में मेरे सामने जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यार, पूरा पहाड़ी पे। अभी पता नहीं इस कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा आगे वाली लास्ट वाली जो पहाड़ी है ना उसके ऊपर फुल आइस जमी हुई है, पूरा वाइट वाइट कलर की आइस दिख रही है यहाँ से, मुझे तो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैमरे में पता नहीं सही तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ पे, और यहाँ का व्यू ऐसा है। तो चलो आगे जाते हैं और क्रिस्टल चर्च के पास देखते हैं वहाँ पे क्या है। और ये है क्रिस्टल चर्च। अभी आ गए हैं हम लक्कड़ बाजार में। ये लक्कड़ बाजार मार्केट है, यहाँ पे लकड़ी के सामान बहुत सारे मिल जाएंगे, लकड़ी के बनाए हुए खिलौने मिल जाएंगे और लकड़ी के बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। दुकान है, बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, फ्रूट स्ट्रॉबेरी यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। 200 रुपये 150 रुपये में स्ट्रॉबेरी का डब्बे मिल जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मिलती है। और ये देखिए लकड़ी की सारी सामान यहाँ पे, ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है, घड़ी भी लकड़ी की है, एक लकड़ी का बना हुआ हार्ड है। और ये ड्राई फ्रूट की मार्केट है, यहाँ पे अखरोट वगैरह पूरे होल सेल रेट में मिल जाते हैं। ये ऐसे खिलौने मिल जाते हैं लकड़ी के, इधर देखो ये है।
भैया ये रहा ये देखो। तो फाइनली सब कुछ घूम के मैं पहुंच गया अपने रूम पे, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए मैं रूम पे आ गया सीधा। अब मैं बोला कि जाने दो, अब कल निकलेंगे कुफरी के लिए। ये आज का फाइनल हो गया यहाँ का, घूम के मॉल रोड वगैरह सब घूम लिया, जितना भी था एक्सप्लोर कर लिया फुल। अब आ गया रूम पे और मैंने रास्ते से ना आते आते ले लिया स्ट्रॉबेरी। यहाँ की फेमस होती है ना स्ट्रॉबेरी, बहुत लोग पसंद करते हैं और यहाँ पे होती है स्पेशल, तो मैंने ये ले लिया और खा के मैंने टेस्ट भी किया तो काफ़ी अच्छा है यार टेस्ट। 100 रुपये में ये डब्बा दिया है और अच्छा मिल गया। केक भी ले लिया था एक, अभी खाऊंगा उसको। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी, टेक केयर एंड बाय बाय।